और संकल्प एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने इससे पहले 25 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से किए थे, जो कि मुख्यतः एनसीईआरटी पे आधारित थे। आज हम लोग और नवीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि हम लोग मुख्यतः 24 प्रश्न आज करेंगे, जो कि सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी पे आधारित है। प्रश्नों के लेवल की बात करेंगे तो सारे के सारे प्रश्न जो रहेंगे, ठीक है, आपके स्टेट पीसीएस के ही लेवल के रहेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संगम लेकर आया हूँ। आप लोग इसे जरूर देखें और इसे पिछले वीडियो की तरह ही प्यार दें, ठीक है। इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब लगे, और जहाँ पे आपको लगे इसमें सुझाव करने की आवश्यकता है, आप लोग इसके लिए सादर आमंत्रित है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो फिर से मतलब शुरू करते हैं, और सभी लोगों का एक बार मैं फिर से दिल से अभिवादन स्वीकार करता हूँ। शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्नों को लेकर मैंने जो कल का जो इससे पहले का जो प्रश्न था, उसी प्रश्न को मैं आगे लेकर आया हूँ। तो इसी क्रम में आज जो सबसे पहला प्रश्न जो आपके समक्ष रहने वाला आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या था प्रश्न जो था, इसको जरा समझिए। से मुगल की सेवा में, ठीक है, आने वाले नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे, ठीक है। इनमें से आपको चुनना है, निम्न से कौन सा कथन सत्य है, या फिर मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। तो आप देखोगे एक और तीन स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट तीन जो है सही है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर दो क्यों गलत हो जाता है, तो मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं की जाती थी, ठीक है। इसके लिए अलग क्राइटेरिया था, और ये क्राइटेरिया कौन डिसाइड करता था, तो ये क्राइटेरिया जो शासक जो होता था, जो सम्राट जो होता था, जो बादशाह जो होता था, वही डिसाइड करता था। मतलब मुगल सेवा में आने वाले नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी, ठीक है। जो योग्य लोग होते थे उनको तो चुना ही जाता था। साथ में मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था, ठीक है। ये जरूरी नहीं था जो लोग जो बहुत अधिक मतलब क्या बोलते हैं योग्यता रखते, उन्हीं को मनसब दिया जाए, ठीक है। राजा जिसे चाहेगा, मतलब सम्राट जिसे चाहेगा, मुगलकालीन सम्राट जिसे चाहेंगे उसे वह मनसब प्रदान कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे इस आधार पे आपका जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है, सो केवल योग्यता के आधार पे लोगों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है। तो जब्त शब्द की बात करें तो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते थे। ध्यान में आपको रखना है इसके ऊपर, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है, इसको जरा सभी लोग पढ़ेंगे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 सालों की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। ये 10 साला प्रणाली जो होती थी, ये 10 वर्ष के लिए होती थी, लेकिन वो कोई फिक्स नहीं से 10 वर्ष के लिए होती थी। अगर इसमें सम्राट को लगे, या फिर सम्राट को लगे से इसको बीच में समाप्त करना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार सम्राट बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुख्यतः मुगल काल में आप सम्राट नहीं कहते, शासक कह लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं उसको आप, उसको हाँ, जो भी कहिए, सम्राट नहीं कहा जाता, लेकिन सम्राट भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे देखेंगे जो ये 10 साला प्रणाली जो था, 10 वर्षों के लिए होता था, लेकिन अगर राजा को लगे या फिर सम्राट को लगे तो ये 10 वर्ष से पहले भी मतलब समाप्त कर दी जाती थी, ठीक है। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पे नगद के रूप में, ठीक है, राजस्व निश्चित कर दिए गए थे, ठीक है। ये आपका इसी समय नहीं हुआ था, शेर शाह सूरी के समय भी जाएंगे तो वहां पर भी मतलब राजस्व को मतलब क्या किया गया था, निश्चित कर दिया गया था कि किस फसल पे मतलब कितना टैक्स देना है। तो शेर शाह सूरी ने भी अपना एक तैयार किया था, एक निश्चित दर की श्रेणी तैयार की, जिसको रई के नाम से जानते थे, ठीक है, रई के नाम से जानते थे। मैंने आपको अपने अतीत के क्लास में, जब हम शेर शाह सूरी का प्रशासन पढ़ा रहे थे, तो उनका टैक्स सिस्टम जो पढ़ा रहे थे, मैंने वहां पे आपको बताया भी था, ठीक है। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया, प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। हर फसल की राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाई गई थी, मतलब सब पे एक जैसा नहीं था, सब पे अलग अलग था। शेर शाह सूरी के समय भी सब पे अलग अलग था, जिसको रई बोलते थे, ठीक है। राजस्व प्राप्त करने की इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था, ठीक है। यह जब्त व्यवस्था गुजरात एवं बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जब्त व्यवस्था जो था, गुजरात और बंगाल की बात करेंगे ना, तो वहां पे ये व्यवस्था संभव नहीं हो पाई थी, ठीक है, याद आपको रखना है, ठीक है। चले तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तो आप देखेंगे
आप क्या देखना है आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ठीक है। अकबर ने सुलह ए कुल के विचार पे आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की, तो ये अकबर की मदद मतलब किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी ठीक है। अबुल फजल की बात करें, फैजी की बात करें, तो दोनों को दोनों भाई थे, पता होना चाहिए। अब फैजी जो था बड़ा भाई था ठीक है। दोनों को दोनों किसके पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ठीक है बताया था ठीक है। किसके पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र थे ठीक है। ध्यान में रखना है किसके पुत्र थे, तो शेख मुबारक के पुत्र। ये शेख मुबारक कौन था, तो शेख मुबारक वही था जिसने मजहरनामा का ड्राफ्ट तैयार किया था ठीक है। तो मजहरनामा का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। लेकिन शेख मुबारक की मदद किसने की थी, तो फैजी और अबुल फजल दोनों ने मदद की थी ठीक है। दोनों के दोनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ये भी पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ दे रहा हूँ, सुनेंगे जरा। तो अबुल फजल ने सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की, और शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी आगे चल के अपनाया था, ताकि स्टेट में ठीक है सहिष्णुता बना हुआ रहे ठीक है। हालांकि इसको आप देखेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश तो थोड़ा सा औरंगजेब ने किया था, क्योंकि औरंगजेब फिर से जजिया वगैरह लेकर चला आता है ठीक है। लेकिन औरंगजेब के समय एक बात और भी थी, उनके समय मनसबों में हिंदुओं की संख्या जो थी सर्वाधिक थी ठीक है। तो अकबर ने सबसे पहले टॉलरेंस की शुरुआत की ठीक है, सहिष्णुता की शुरुआत की, जिसपे आधारित सुलह ए कुल की नीति थी ठीक है। आप इसी सिद्धांत को आगे जहांगीर और मतलब शाहजहां ने भी मतलब क्या किया था, बढ़ाया था ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको जरा समझेंगे ठीक है, वही ऊपर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी डाला हुआ है ठीक है। चार नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अकबर के इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म मसलों पे ठीक है चर्चा शुरू हुआ, बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अकबर का इबादत का खाना कहाँ था, तो फतेहपुर सीकरी में था, आपको पता ही है। अकबर के खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मन्ता धता पे बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं ठीक है। तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1570 में जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने रोमन कैथोलिक के पादरियों ठीक है, जरथुस्ता धर्म के अनुयायी, उलेमाओं और ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की है ठीक है। ये चर्चाएं कहाँ होती थी, तो ध्यान में रखिएगा, ये चर्चाएं आपकी कहाँ पे होती थी, इबादत खाना में होती ठीक है। तो आप हमें ये बताएं कमेंट बॉक्स में, से इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी, और इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोल दिया गया था, और कौन सा दिन निश्चित किया गया था जिस दिन इबादत खाना में सभी धर्मों के बीच में अकबर धर्म सभा किया करता था ठीक है। तो सारे प्रश्नों का आप उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से देंगे ठीक है। इन विचार विमर्शों में अकबर की समझ बनी सी जो विद्वान धार्मिक रीति ममता धता पर बल देते हैं, वो अक्सर कट्टर होते हैं ठीक है। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन एवं असमंजस पैदा करती है ठीक है। यह अनुभव अकबर को सुलह ए कुल का सर्वत्र शांति के विचार को लेकर गया ठीक है। सुलह ए कुल का नीति जो था, इसी को सर्वत्र शांति की नीति भी कहते हैं ठीक है। इसको भी जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है। आगे चलेंगे, तो आगे आपका आएगा 5 नंबर प्रश्न आएगा। तो ये तो प्रश्न बहुत आसान है, सभी लोगों से हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण मतलब किस शहर में करवाया था, तो अकबर ने राजधानी अपना बनाया था फतेहपुर सीकरी को कुछ दिनों के लिए, तो वहीं पे उसने इबादत खाने का निर्माण भी करवाया था फतेहपुर सीकरी में ठीक है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, और यही पे वह क्या करता था, इबादत खाना में धर्म सभा किया करता था, जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग आते थे। इस्लाम से लोग थे, जबकि उलेमाए आते थे, सनातन से ब्राह्मण आते थे ठीक है। यहाँ पे पारसी भी आते थे, यहाँ पे बात करेंगे तो ईसाई भी आते थे ठीक है, जरदुष्ट भी आते थे, सारे के सारे लोग आते थे। विभिन्न धर्मों पे यहाँ पे अकबर जो था उन लोगों से मतलब चर्चा किया करता था ठीक है। चले आगे चलते, तो आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न है यहाँ पे, जरा इसको समझने का प्रयत्न करेंगे सभी लोग। प्रांतों के प्रसाद, इसमें मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 दिया गया, जिसमें मुगल काल के संबंधित विभिन्न विभागों एवं उनके पदाधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई है। तब प्रांतों के प्रशासक को क्या बोलते थे, तब प्रांतों के प्रशासक को सूबेदार बोलते थे ठीक है। आपको मन हो तो आप इनको गवर्नर या फिर प्रांतपति भी कह सकते थे ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रांतों के वित्तीय अधिकारी को क्या बोलते थे, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी जो थे दीवान साहब होते थे, अभी भी होता है ठीक है। फिल्म वगैरह में नाम इनका प्राय आपको सुनने को देखने को मिलता है ठीक है। उसके बाद बात करेंगे धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले मंत्री को क्या बोला जाता था, तो इनको बोलते थे सदर बोलते थे, क्या बोलते थे इनको, सदर बोलते थे। और सेना नायक तो देखने से पता चल रहा है, इनको क्या बोलते थे, फौजदार बोलते थे। इसको जरा आप लोग क्या करेंगे, तो इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे ठीक है।
चले आगे चलते हैं। तो आगे आप देखोगे, मैंने इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। व्याख्या में देखेंगे तो प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों में अकबर ने निर्धारित किए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा में, विशेष करके आईने अकबरी में आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा था, मतलब स्टेट में बंटा था, जिनको सूबा कहते थे। मतलब राज्यों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और सूबा के प्रशासकों को क्या बोलते थे? सूबा के जो प्रशासक जो होते थे उनको सूबेदार कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे, राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करने वाला जो अधिकारी जो होता था वो सूबेदार ही होता था, ठीक है। पर एक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे क्या बोलते थे? दीवान कहते थे, ठीक है, जो कि मतलब वित्तीय लेखा जोखा को देखने का काम करता था मुख्य रूप से। और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार अन्य अफसरों का सहयोग भी प्राप्त होता था उनको, ठीक है। और सदर जो था धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का अधिकारी था। और फौजदार तो था जानते हैं, सेना नायक था। कोतवाल जो था नगर का पुलिस अधिकारी होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। एसपी साहब जो थे कौन थे? तो कोतवाल साहब जो थे एसपी साहब थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बक्सी कौन होता था? तो सैनिक का वेतनाधिकारी जो होता था कौन होता था? बक्सी होता था। जरा इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, याद में सभी लोगों को रखना है, ठीक है, सभी लोग इसको याद करके रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आपका जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है। अकबर के शासन के इतिहास से संबंधित विवरण को निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है, ठीक है। तो अकबर के शासन से संबंधित जो जानकारी जो हमें मिलती है वो हमें कहाँ मिलती है? तो अकबरनामा में मिलती है, ठीक है। अब अकबरनामा क्या है, ठीक है। तो अबुल फजल ने अकबर के शासन का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है, मतलब 3 पार्ट में लिखा है। इसका शीर्षक क्या? अकबरनामा रखा गया है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, मतलब अकबर से पहले जो शासक रहे उनके बारे में जानकारी मिलती है। मैंने पहले भी बताया बाबरनामा में भी ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। हुमायूं नामा में भी देखेंगे तो हुमायूं नामा में भी बाबर की जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो जो भी शासक अपने समकालीन मतलब चीजों की रचना किए थे, अपने से पिछले शासक के बारे में भी उन्होंने चर्चा दी है। अब अकबरनामा में केवल अकबर नहीं, अकबर से पहले वाला जो शासक है उनके भी बारे में चर्चा मिलती है, जो कि पहले जिल्द में ही है। दूसरा जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। और तीसरा जिल्द जो है ना वही आईने अकबरी है, ठीक है, जो कि अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और मतलब साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी हमें मुख्य रूप से देती है। इसको जरा आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपके लिए मैंने एक प्रश्न बनाया है, ठीक है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो कि राजस्व इकट्ठा करता था, ये भी सही है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में क्या है? सही है। अब इसको मैं एक्सप्लेनेशन को पढ़ दे रहा हूँ, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधिकतर स्थानों पर किसान गाँव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब किसान किसे दे दिए? गांव के मुखिया को दे दिए या फिर मतलब सरदार को दे दिए, ठीक है। ये सरदार राजस्व को कहाँ तक? तो मतलब शासक तक मतलब पहुंचा देता था, ठीक है। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो ग्राम का मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल इसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो गांव के मुखिया के लिए भी जमींदार होता था, या फिर जो शक्तिशाली जो सरदार जो होते थे उनके लिए भी जमींदार शब्द प्रयोग होता था। मुख्य रूप से इसका क्या काम था? तो किसान से टैक्स वसूलना, कर वसूलना, और इसको मुगल शासक के जो दीवान जो होते थे उनके पास जाके मतलब जमा कर देना होता था, ठीक है। वो फिर मतलब क्या करता था? सेंटर में जाके जमा करता था, ठीक है। इसको जरा ध्यान में आपको रखना है। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर आपको विचार करना है, ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में जागीर से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसब के वेतन से बहुत कम था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन की कमी हुई तथा मिलने वाला राजस्व में भी गिरावट हुई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। कारण जो है इसका क्या दिया हुआ? गलत दिया हुआ है। कथन जो है सही है, ठीक है, बिल्कुल। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, ठीक है। वजह क्या था? कि जागीर जो राजस्व लेकर जो आते थे ना, मनसबदार का जो सैलरी जो था उसके वेतन से भी कम राजस्व प्राप्त होता था, क्योंकि इसके समय में मनसबदारों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। मान लीजिए 200 रुपया अगर जागीर से, सॉरी 200 रुपया अगर टैक्स से अगर प्राप्त हो रहा है, तो अकबर के समय में ये पैसा अगर 20 लोगों में बढ़ता था, ठीक है, तो यही आप औरंगजेब के समय में ये पैसा 40 लोगों में बढ़ रहा है, ठीक है। तो भूमि तो फिक्स ही है, राजस्व तो मतलब फिक्स ही आ रहा है ना, लेकिन अकबर के समय में मतलब
क्या था, अकबर के समय मनसबों की संख्या कम थी, ठीक है, और ये औरंगजेब के समय में मनसबदारों की संख्या मतलब क्या हो गई, अधिक हो जाती। इस वजह से मुगल काल जो था, एक तरह से देखिएगा तो यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट मतलब सैलरी ज्यादा देना पड़ रहा है और टैक्स कम आ रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से मतलब दिक्कतें उत्पन्न होने लगती है मुगलों के समय में। मुगल का पतन भी इन्हीं के समय से मतलब क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाता है, ठीक है। अब इसको देखेंगे औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व मनसबदार का वेतन से बहुत कम था, जिसका कारण क्या था, मनसबों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। इस कारण उन्हें जागीरदारों से इस कारण अगर बात करेंगे तो इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था, जागीरों की संख्या में भी क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे तो ध्यान में आपको रखना, मैंने ऊपर समझा दिया से किस तरीके से चीजें हो रही थी, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको गौर से समझेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है से निम्न कथनों पे आपको विचार करने हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया, ठीक है, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही, ठीक है। यही काम औरंगजेब नहीं किया था, ये काम औरंगजेब ने नहीं किया था, इसीलिए मतलब क्या होता, उसके शासनकाल में जागीर से मतलब जो कर जो प्राप्त होता था, ठीक है, वो जो था ना मनसबदारों का सैलरी से कम हो गया था। लेकिन अकबर ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षण करके जागीरों का बड़ी सावधानी पूर्वक आकलन किया, ताकि जो उनसे जो राजस्व जो प्राप्त हो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ठीक है, ना तो कम हो ना तो ज्यादा, अप्रोक्स मतलब सेम रहे, ठीक है। तो ये काम मतलब बुद्धिमानी अकबर ने किया था, वो आपका औरंगजेब नहीं कर पाया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान जागीरों की बड़ी ही सावधानी पूर्वक आकलन किया, ताकि इसका राजस्व मनसबदारा के वेतन से ज्यादा ना हो, तकरीबन मतलब वेतन के मतलब क्या रहे, बराबर रहे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। औरंगजेब के समय ये उल्टी हो गई थी, ठीक है। आगे क्या है, तो आगे का स्टेटमेंट समझेंगे जरा। 11 नंबर प्रश्न है आपका, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करने हैं, ठीक है। तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें जागीर कहते थे, ठीक है। तो मनसबदार जो था अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उनको जागीर कहते थे, ठीक है। चलिए, मनसबदार इकतदारों की तरह अपने जागीर पे आश्रित रहते थे, उन पे प्रशासन करते थे, तो ये गलत है। जागीर पे प्रशासन नहीं किया जाता था, जागीर जो था ना भूमि के रूप में पाया जाता था, और इससे मतलब उनका वेतन जो था वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में जो पाते थे उसको जागीर कहते थे। खेती वगैरह इस पे किया जाता था, ठीक है, इन पे शासन नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे मनसबदार इकतदारों की तरह अपने जागीर पे आश्रित रहते थे, उन पे प्रशासन करते, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट एक तो गलत है, ये मनसबदार जो थे ना ये इक्तदारों से बड़े थे, ठीक है, ये पूरी तरीके से उस पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे इक्तदारों की तरह, ठीक है। इसी को एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने नीचे समझाया है, ठीक है। अब देखेंगे पहला कथन जो है सत्य है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें जागीर कहते थे, मैंने ऊपर भी बोला सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, मनसबदार इकतदारों की तरह अपनी जागीरों पे आश्रित नहीं रहते थे और न ही उन पे प्रशासन करते थे, उनके पास अपने जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं जो थे अन्य भाग में मतलब सेवारत रहते थे, ठीक है। तो ध्यान में इसको आपको रखना है। आप पढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न क्या है, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। मनसबदारी मुगले के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए गए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक है। जाट पद के द्वारा, ठीक है, मनसबदार के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये उल्टा हो गया, ये नीचे जाएगा और ये वाला जो है ये वाला इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो गया, जरा इसको समझेंगे। इसमें यहाँ पे उल्टा क्या है, जरा इसको समझेंगे। पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करूं तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनसबदारी मुगले द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए जाते थे, लेकिन सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी प्रतिष्ठा एवं वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ये गलत है। ये सवार पद की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, जात पद आएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, जात पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय की जाती थी, गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सवार पद आएगा। अब इसको याद करने का
तरीका ये हो सकता है कि सवार हम लोग किसका करते हैं, घोड़ा, घोड़े की सवारी करते हैं ना, तो ये सवार पद के द्वारा मनसबदारों के रखे जाने वाले घोड़े एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, न कि जात पद के द्वारा। ठीक है, इसको जरा आपको ध्यान में रखेंगे तो कथन 1 सही हो जाएगा और 2 और 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 में क्या होना चाहिए, जात होना चाहिए, 3 में क्या आना चाहिए, सवार आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को उल्टा कर दिया गया है ताकि यहाँ पे चीजें थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। ठीक है, तो इसको जरा आप लोग सही कर लेंगे। अब आगे के फैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, देखेंगे केवल पहला कथन सत्य है। मनसबदारी मुगले के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। बिल्कुल सही है। कथन 2 और 3 क्या है, असत्य है। पद एवं वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, जात के जगह पे सवार दे दिया है। ठीक है, तथा वेतन भी उतना ही अधिक होता था। सवार पद के द्वारा मनसबदारों के द्वारा रखे जाने वाले घोड़े घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जात दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। केवल एक स्टेटमेंट जो है वही आपका क्या है, सही है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो आगे का प्रश्न और भी सुंदर है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। बिल्कुल ठीक है, मुगल माता की ओर से चीन के, ठीक है, राजवंश से थे, चीन के तांग राजवंश से थे। बिल्कुल, मंगोल जो थे जिनका प्रमुख शासक चंगेज खान था। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंश से थे। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों में से दोनों को कथन असत्य है, तो नहीं, दोनों के दोनों कथन जो है आपस में सत्य है, इसलिए न तो एक गलत है ना ही 2 गलत है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मुगल जो थे क्या थे, मुगल की बात करेंगे तो मुगल शासक महान 2 वंशजों में से आते हैं। ठीक है, तो मुगल शासक वंशों के वंशज थे, 2 महान वंशजों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज, तथा पिता की ओर से ईरान, इराक तथा वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो 2 मध्य एशिया के 2 महान ब्लड, ठीक है, में ब्लड का अंश आपको मुगलों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद इसको रखेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या है, मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करने हैं। ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी के नियम में विश्वास करते थे, मतलब कहने का मतलब मुगल जो था ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिन जिनमें ज्येष्ठ पुत्र जो थे ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, दूसरा जो है उत्तराधिकारी में, ठीक है, शाहदायाद को मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तराधिकारी में जो थे ने तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे। और तैमूर वंश की परंपरा क्या थी, तो तैमूर वंश में जो सबसे काबिल जो होता था ना, उसी को मतलब क्या बनाते थे, तो उसी को मतलब शासक बनाते थे। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी मतलब शासक बना दिया जाएगा जो कि सबसे बड़ा पुत्र हो। ठीक है, तो मुगल जो था ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही शासक बनेगा, ऐसा नियम नहीं था। ऐसा नियम भारत में कहाँ पे दिखेगा, तो भारत में राजपूतों में देखने को मिलता था। ठीक है, इसके विपरीत शाहदायाद की मुगल एवं तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिनमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में मतलब क्या होता था, कर दिया जाता था। मतलब जो 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 शासक का जो मतलब जो भी मतलब साम्राज्य होगा वो सारे पुत्रों में मतलब बांट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जैसे मुगल जो था सबसे बड़े पुत्र को मतलब शासक बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बाबर को देखा, बाबर जब मरने लगता है तो हुमायूं से कह के जाता है उसके साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में मतलब क्या किया जाए, बांट दिया जाए। ठीक है, आगे चल के भी आप देखोगे से सबसे बड़ा भाई तो औरंगजेब के समय आप देखेंगे तो सबसे बड़ा भाई शाहजहां का पुत्र जो था कौन था, ठीक है, कौन था सबसे बड़ा पुत्र था, तो सबसे बड़ा पुत्र जो था क्या नाम था उनका, उनका नाम था याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा पुत्र वो था, लेकिन उसे मतलब शासक नहीं बना, औरंगजेब ने उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो सबसे बड़ा पुत्र वो नहीं था, औरंगजेब छोटा था, लेकिन वो भी मतलब शासक बनता है। उससे पहले भी बहुत सारे जैसे देखेंगे शाहजहां खुद भी मतलब क्या था, विद्रोही हो जाता है। ठीक है, शहरयार को शासक बनाना चाहती है नूरजहां, लेकिन नहीं बना पाते। तो सबसे बड़ा पुत्र जो बनेगा शासक, ये कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, कोई भी शासक बन जा सकता था जो काबिल होता था। लेकिन दूसरा प्रथा ये भी थी, तो मतलब पुत्रों के बीच में सत्ता का विभाजन कर दिया जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत की, तो आप लोग जानते हैं द ग्रेट शिवाजी। ठीक
ठीक है, मराठा शासक शिवाजी ने छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। अब छापामार युद्ध पद्धति क्या होता है, जब एक कमजोर सेना, ठीक है, जब एक कमजोर सेना, आप कमजोर सेना ये नहीं कह सकते एज ऑफ मैन पावर, मैन पावर से कमजोर नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पास ज्यादा मतलब संसाधन है, मेरे पास कम संसाधन है, तो आमने सामने की लड़ाई नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, छिप के वार किया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई सेना जा रही, बड़ी सेना जा रही है, तो छापामारी में क्या होता था, कुछ लोग छिपे हुए पेड़ पे है, पहाड़ पे, वहां से तीर चलाना शुरू कर दिए, या फिर बड़े सेना यहाँ से गुजर रहे ऊपर से पहाड़ पे छिपे बड़े बड़े पत्थर फेंकना मतलब शुरू कर दिए, ठीक है, या फिर मतलब सेना जा रही है, उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता मतलब क्या किया उनके ऊपर छोड़ दिया। तो इस तरीके से मतलब छापामार युद्ध पद्धति मतलब होता था, जिसके जन्मदाता कौन थे, तो ग्रेट शिवाजी थे इस छापामार युद्ध पद्धति के जन्मदाता। आगे चल के भी आप देखेंगे भारत में जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई, तिलका मांझी ने भी काफी परेशान किया था ब्रिटिशों को, तो ये सब छापामार युद्ध पद्धति के बहुत बड़े जन्मदाता थे। बहुत ज्यादा पढ़ेंगे 1975 में जाएंगे तो वियतनाम वार, वियतनाम वार में अमरीका को बाहर आना पड़ा था छापामार युद्ध पद्धति के जन्म को। हो ची मिन्ह के बारे में कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से छापामार युद्ध पद्धति शुरू होती थी। अब कैसे वियतनाम की मामूली सेना अमेरिकन सेना के सामने कैसे टिक पाएगी, लेकिन उनको वहां पे हरा दिया। क्या रीजन था, छापामार युद्ध पद्धति, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न, दक्षिण में किन दो राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बीजापुर और गोलकुंडा को मतलब औरंगजेब ने साम्राज्य में मिला लिया, तो बहुत पहले से मिलाना चाहते थे, ठीक है, ये शिवाजी, ये क्या नाम है, शाहजहां के समय से ही मतलब औरंगजेब इसको मिलाना चाहता था। एक दो बार तो जीत भी लिया था लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन जब वो खुद शासक बनता है तो 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मतलब मिला लिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी को लेकर एक प्रश्न यहाँ पे और भी आएगा, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसने मराठों और दक्कन के सल्तनतों का सहयोग मिला था। तो अकबर सेकेंड, क्या नाम है, अकबर सेकेंड, याद रखिएगा। इसी के पीछा करते करते औरंगजेब जो था दक्कन के क्षेत्र में जाता है, और दक्कन जो था उसके लिए मौत का मतलब पलीहा, मतलब मौत का मतलब कब्र, ठीक है, बनकर साबित होता है। इसी के पीछा करते हुए जाता है और कभी दक्कन से बाहर निकल भी नहीं पाता है, ठीक है। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध मतलब क्या किया था, विद्रोह कर दिया था जिसने उसने मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों के सैन्य सहायता मिली थी, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण था जिसके द्वारा औरंगजेब की राजपूत के विरुद्ध स्थिति काफी अधिक कमजोर पड़ गई थी, ठीक है। तो पुत्रों के द्वारा विद्रोह करने की परंपरा जो थी मुगलों में देखा ही था। सबसे पहला विद्रोही कौन था, सबसे पहला जहां सबसे पहला विद्रोही आप देखोगे जहांगीर सलीम होता है, जो कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है। उसके बाद आप देखना, आप खुर्रम का भी विद्रोह हो जाता है, ठीक है, जहांगीर के खिलाफ। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे से औरंगजेब भी विद्रोह करता अपने पिता के खिलाफ, ठीक है, मतलब शाहजहां के खिलाफ विद्रोही करता है, क्योंकि शाहजहां तो शासक तो किसी और को बनाना चाहता था, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे इसे मतलब क्या होता है, फिर से मतलब अकबर द्वितीय भी अपने पिता के खिलाफ मतलब विद्रोह कर देता है। तो ये परंपरा चली भी आ रही थी मुगलों में अपने पिता के खिलाफ मतलब विद्रोह करने का। आप देखेंगे शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह पे कैद करके रखा गया, तो आगरा के किला में इनको कैद करके रखा गया था। आगरा में इन्होंने ताजमहल बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे मतलब क्या किया गया था, ठीक है, आप बोलेंगे औरंगजेब के द्वारा यहीं पे कैद करके रखा गया था। कैद उस तरह का कैद नहीं किया जिसमें मतलब हथकड़ी वगैरह लगाया जाए, मुख्यतः नजरबंद किया गया था, और नजरबंदी करके वहीं पे रख दिया गया था। दिन भर बेचारे बैठ के ताजमहल को देखते रहते थे, ठीक है। शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसे दारा शिकोह को शासक नियुक्त किया गया। हाँ बिल्कुल, दारा शिकोह, याद आया अभी नाम, जो कि पीछे के ऑप्शन में था, ठीक है। दारा शिकोह का मतलब क्या किया गया, शासक नियुक्त किया गया, और ये भी कहा कि मेरी अनुपस्थिति में ये शासन का संचालन करेगा, ठीक है। लेकिन मतलब क्या होता है, मेरी उपस्थिति में शासन का संचालन कर, लेकिन दारा शिकोह का पूर्ण रूप से अगर बोलेंगे ना तो मतलब राज्य सिंहासन उसको नहीं सौंपा गया था, ठीक है। जब ये घोषणा जब विधिवत रूप से हुई नहीं थी, तो ये बात जब पता चलता शाहजहां के पुत्रों को, तो उनके बीच में मतलब क्या होती है, उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा होता है, ठीक है। और अंतिम रूप से अगर देखेंगे तो औरंगजेब मतलब विजयी होता है, ठीक है। दारा शिकोह को मतलब मौत का घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। साथ में उसके दो भाई और भी रहते थे, ठीक, उनको भी मार दिया जाता है। तीनों भाई को मारने का औरंगजेब जो था शासक बनता है, और अपने पिता को मतलब बोलता है चलिए अब आगरा का किला, वहीं पे आप कैद हो जाइए, वहीं पे अंतिम समय बिताइए, ठीक है। जब वहां पे मृत्यु, बाद में जाकर उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती, तो वही ताजमहल जो है आगरा में, वहीं पे उनको इनके वाइफ के साथ मतलब क्या होता है, दफना दिया जाता है, ठीक है। आगे की प्रश्न की बात करेंगे तो खुर्रम किसका बेटा, तो जानते हैं खुर्रम जो था जहांगीर के बेटा था। खुर्रम का नाम क्या था, शाहजहां। क्या नाम था इनका, शाहजहां नाम था। खुर्रम का पता होना चाहिए, ठीक है, क्या नाम था, शाहजहां, ठीक है। मुगलों काल में बहुत सारे शासकों के अलग अलग नाम रहे, आपको क्या करने हैं, सारे नाम याद करने हैं, ठीक है।
बात करेंगे राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। उसने जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह किया, साथ ही जहांगीर की पत्नी नूरजहां, ठीक है, नूरजहां जो था शाहजहां को हाशिए पे मतलब धकेलने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो ये शाहजहां जो था ना, ठीक है, वो शासक बनना चाहता था कि नूरजहां उनको शासक बनाना नहीं चाहती थी। कारण क्या था, नूरजहां की जो पहली जो शादी हुई थी उनसे इनकी पुत्री थी, ठीक है, उनका विवाह वह शहर शहर से करवा करवा चुकी थी। तो किसी भी तरह चाहती थी उनका जो दामाद जो है शहर शायर जो है शहर शायर जो वही मतलब शासक बने, ठीक है, वही मतलब शेरे अफगान से कुली बेग नाम था, अली कुली बेग क्या नाम था, उनसे मतलब इनका विवाह हुआ था, ठीक है। इसी तरह मतलब नहीं चाहती थी मतलब किसी भी तरह शाहजहां मतलब शासक बने, इसलिए शाहजहां क्या करते, विद्रोह कर देते। ये विद्रोह में राजपूत शासक भी मतलब शाहजहां के सपोर्ट रहते, आसफ 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 जहां, ठीक है, आसफ जहां का भी काफी अधिक मतलब रोल रहता है इनको शासक बनाने में, जो कि नूर जहां के भाई होते हैं, ठीक है। और किनके पिता होते हैं, अर्जुमंद बानो बेगम, क्या नाम था उनका, मुमताज महल के पिता होते हैं आसफ जहां, आसफ जान आसफ खान नाम था, सॉरी आसफ खान नाम था, ठीक है। आसफ खान की मदद से ही मतलब क्या होता है, शाहजहां जो था शासक बनता है, ठीक है। चलिए आगे बनते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आगे का प्रश्न क्या है, दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, ठीक है। राजकुमार सलीम मतलब जहांगीर की जो माँ जो थी जोधाबाई थी, ठीक है, जिनको हरकाबाई भी कहते थे। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ा गई। उसके बाद अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया था, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, किया था। अहमदनगर सॉरी खानदेश का जो इलाका जो था तो दक्षिण में ही पड़ता था ना, ठीक है। आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है, राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ जोधाबाई थी, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम ने विद्रोह के कारण सत्ता लड़खड़ा गई, बिल्कुल ये सारे के सारे सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। अभी एक वेब सीरीज भी आई है जहाँ पे दिखाया, क्या नाम है वेब सीरीज का, ताजमहल, ठीक है, G5 पे उपस्थित है, मामले तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को जरा समझिए, ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा कछवाहा राजकुमार कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल, जिनको भारमल के नाम से भी जानते, उनकी बड़ी पुत्री, ठीक है, हरकाबाई, जिनको जोधाबाई के नाम से बॉलीवुड वालों ने फेमस कर रखा, उनसे विवाह किया। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम का जन्म होता है। शहजादे सलीम की बात करें तो जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उनकी सत्ता लड़खड़ा गई, ठीक है। अकबर के काल में दक्कन के अभियानों की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, भले ही आगे चल के औरंगजेब ने काफी स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन शुरुआत यहीं पे हो गई थी, क्योंकि बरार, खानदास और अहमदनगर के कुछ हिस्सों पे अपने काल में उन्होंने मतलब क्या कर मिला लिया था, ठीक है। कथन की बात करेंगे तो 3 नंबर स्टेटमेंट जो है सो गलत है, ठीक है, बाकी दोनों को दोनों ऊपर के जो प्रश्न जो है सही है। आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पे इन्होंने आक्रमण किया, बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं है इसमें। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम सफाविदों को हराकर कंधार पर विजय प्राप्त कर लिया, बिल्कुल। और काश्मीर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के दौरान पूर्व में बंगाल, बिहार एवं ओडिशा तक के क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही है, कोई इसमें दो राय नहीं, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर इन्होंने आक्रमण किया था, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पे कब्जा किया और कश्मीर को भी अपने राज्य में मिला लिया, बिल्कुल, कश्मीर को स्वर्ग भी कहा था, ठीक है। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा, ठीक है, पूर्व में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक के क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर मान सिंह को भी बना लिया था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए से कंधार जो था मुगलों के हाथ में तो था, लेकिन ये जहांगीर के समय में मतलब क्या होता है, मुगलों के हाथ से निकल जाता है, इसलिए जहांगीर को कहा जाता है सो कंधार जो हमेशा से मुगलों का हिस्सा बना रहा था, ठीक है, वो तो इसके हाथ में से निकल गया, लेकिन जहांगीर ने एक ऐसा काम कर दिया, ठीक है, जो कि मतलब कभी नहीं कर पाया, वो चित्तौड़ को मतलब मिला लिया, ठीक है, और मतलब राजपूतों के साथ इसने मतलब संधि कर ली, ठीक है। तो एक काम ऐसा जहांगीर ने किया जो कि किसी भी मुगल ने नहीं कर पाया, ठीक है, और एक काम ऐसा कर दिया जो कि मतलब हमेशा से मतलब मुगलों के पास था लेकिन इसके समय से निकल जाता, वो जगह कंधार था जो कि जहांगीर के समय निकल गया था। कभी प्रश्न पूछे तो इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे मिलाना है, जरा देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रश्न आसान है, सभी लोगों से बन ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खानवा का युद्ध बोलता है 1526 में, गलत है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में खानवा का युद्ध 1526 में तो नहीं हुआ था। पानीपत की लड़ाई थी, पता ही आपको, पानीपत का युद्ध 1527 में, गलत हो गया, बाबर और राणा संगा के बीच में, ठीक है।
गलत है, ठीक है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मतलब राजपूतों के मध्य हुआ था 1528 में, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट गलत सही है। घाघरा का युद्ध जो था बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, शासक कौन था, मेदनी राय था, पता ही आपको, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खानवा में कौन था, खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा राजपूतों और उनके समर्थकों को हराया था, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, घाघरा के युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगान शासकों के बीच में हुआ, तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे केवल कथन 3 और 4 जो है सही है, क्योंकि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी था, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कौन था, पानीपत की लड़ाई थी। खानवा का युद्ध यहाँ पे आ जाएगा 1527 में, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, से 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा राजपूत शासकों और उनके समर्थकों को पराजित किया था। अभी आपको ये बताना, 1527 में जो खानवा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये मतलब कितने क्रम का युद्ध था, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1526 में पहला युद्ध, 1527 में दूसरा युद्ध, 1528 में तीसरा युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 में। मतलब बाबर ने मुख्यतः यहाँ पे कितने युद्ध किए, तो बाबर ने मुख्यतः यहाँ पे 4 युद्ध किए, ठीक है। बाबर ने क्या किया, तो सबसे पहले पानी पिया 1526, खाना खाया 1527, चल दिया 1528, घर गया 1529, मर गया 1530। मतलब बाबर की मृत्यु कब हो गई, तो मृत्यु आपकी 1530 में हो गई थी, ठीक है। 4 युद्ध किए, अब 1530 में मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक कौन बनेगा, तो शासक आपका कौन बनेगा, तो हुमायूं बनेगा, जैसा कि आपको पता है। हुमायूं के ऊपर भी वीडियो डाल दिया गया, बाबर के ऊपर भी वीडियो डाला गया है, मौका मिले तो उसको देखिए, आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है ये, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी में बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, तो दो क्षेत्र पे मुख्यतः कब्जा किए थे, दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पे कब्जा किया था। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद दिल्ली एवं आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी थी, ठीक है। आसान प्रश्न था, आज का अंतिम प्रश्न जो है बहुत सुंदर प्रश्न है, जरा इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। निम्न में से कौन से कथन असत्य है, ठीक है। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, ठीक है, मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनाया। तो पहला स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, मुगल अपने आप को तैमूर कहलाना पसंद करते थे, माँ के तरफ से मंगोल थे। लेकिन मंगोल जो थे ना, चंगेज खान की बहुत सारी, ठीक है, नरसंहार संबंधित घटनाएं थी, जिसे मतलब मुगल अपने आपको एज ए शासक के रूप में, ठीक है, मंगोल शासक चंगेज खान से अपना रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करते थे। जबकि तैमूर की बात करेंगे, तो तैमूर होने पे खुद को गर्व महसूस करते थे, क्योंकि तैमूर जो था भारत पे मतलब क्या किया था, आक्रमण किया था 1398 में, दिल्ली पर इन्होंने मतलब क्या किया था, अधिकार भी कर रखा था, इसलिए तैमूर का वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। अब मुगल ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, बिल्कुल सही है। अब प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। मंगोल जो थे इनके माँ की तरफ से थी, अब पिता के तरफ से मतलब क्या थे, तैमूर थे, ठीक है। तो यही सारे स्टेटमेंट जो है नीचे भी दिया हुआ है, इसको जरा आप लोग क्या करेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। आप इतने दिन आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें जो है मैं बता दे रहा हूँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी नए लोग हैं, तो हमारा संकल्प एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे 50,000 से ज्यादा लोग वहाँ पे मेंबर हैं। हम लोग 20 तारीख को वहाँ पे एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको आपको फोन पे, ठीक है, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करके हमारे दरोगा बैच में इनरोल हो सकते हैं, जहाँ पे यूपी दरोगा, बिहार दरोगा और विभिन्न स्टेट के दरोगा की प्रिपरेशन करवाई जाती है, वीसी प्लस क्विज के माध्यम से होती है। हमारा मेन ग्रुप में वीसी भी चलता है, जो कि टेलीग्राम का सर्वश्रेष्ठ वीसी है। कभी मौका मिले तो आप लोग आए, हमें सेवा का मौका जरूर दें। बाकी बात करेंगे तो 20 तारीख से बैच प्रारंभ हो रही है, इसको जरा आप सभी लोग ज्वाइन कर ले। जो भी लोग नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें। कोई अगर आपका मतलब सुझाव है, तो हमें सुझाव देने की कोशिश करें, आपके सुझाव का हमेशा हम प्रतीक्षा करते हैं, ठीक। कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे साथ इंस्टा पे और मतलब ट्विटर के माध्यम से भी अपने संदेश को हम तक पहुंचा सकते हैं। इतने देर तक आपने हमें सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ों को फिर से आगे लेकर आएंगे, आप लोग एक समझ, आप लोग किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, थैंक यू वेरी मच।